मैं सम्मानीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर. मैं उन्हें अपनी शुभकामना देती हूँ कि इस कठिन समय में उनके ऊपर संविधान की रक्षा का दायित्व आया है. मैं धन्यवाद देती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी को और सभी विपक्ष के मुख्य दलों को जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मेरा समर्थन किया. ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है. विचारधारा और मूल्यों की ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते हैं और इसमें अपना संबल पाते हैं. सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सबको ले चलने की हमारी इच्छा, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, जाति पाति का विनाश, हम ये सब चाहते हैं और निरंतर इसके लिए इतनी ही शक्ति के साथ लड़ते रहेंगे.